पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है और इसी बीच इस्कॉन संगठन द्वारा नागपुर स्थित श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके विषय में आयोजित पत्र परिषद में जानकारी दी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर किया गया है, जहां विभिन्न झांकियां कृष्ण चरित्र को चरितार्थ करने वाले कार्यक्रम भजन आदि का विशेष रूप से समावेश होगा। इस्कॉन नागपुर मंदिर, जिसे श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जन्माष्टमी के इस आनंद उत्सव में शामिल होने के लिए सभी का स्वागत आयोजित पत्र परिषद में मंदिर अध्यक्ष सच्चिदानंद प्रभु ने किया। दरअसल इस्कॉन नागपुर मंदिर श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है, जो बड़े पैमाने पर समाज में आध्यात्मिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रचारित करने और जीवन मूल्यों को संतुलित करने में सहायता करता है, जो कि कृष्ण भक्ति में लिप्त श्रद्धालुओं की एक विशेष संगठना है। आयोजित पत्र परिषद में मंदिर अध्यक्ष ने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने एवं लाभ लेने का आह्वान जनता से किया है। इस समय मंदिर अध्यक्ष समेत हरिकृष्ण प्रभु, विजेंद्र प्रभु आदि विशेष रूप से मौजूद थे। मेरा नाम हरि कीर्तन दास है, मैं जोन का नागपुर जोन का जनरल जोनल सेक्रेटरी हूँ और हमारे विजेंद्र प्रभु जी जो है मंदिर उपाध्यक्ष है। मेरे साथ डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी बैठे हैं, ये वेणुगोपाल जी है एंड आशीष खंडेलवाल जी है, गौर पार्षद प्रभु है, ये हमारे सब इस्कॉन के बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी बहुत बड़े स्केल पर हमेशा नागपुर की सहायता करते रहे हैं और समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित और जाने हुए व्यक्तित्व हैं इनका। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।